किन्नौर जिला के निचले क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी सुधारने व जीवन स्तर बढ़ाने के लिए नवार्ड व एसजेपीएन के सौजन्य से वानिकी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं। प्रथम चरण में तरंडा चोरा व बड़े पंचायत के किसानों को नवीनतम किस्म के करीब 19,000 सेब के पौधे वितरित किए जा रहे हैं, ताकि किसान अच्छे किस्म के सेब तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। योजना के तहत करीब 250 किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। डॉक्टर हरिंद्र ठाकुर, सचिव हिल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को नवार्ड व एसजेपीएन की ओर से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चोरा तरंडा व बरी पंचायत के 244 किसानों को इस योजना के तहत लाया गया है और करीब 6 किस्म के पौधे बांटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसान बेहतर फसल तैयार कर सके। उनका मकसद है कि लोगों की आमदनी बढ़ाकर जीवन स्तर ऊंचा करना है। वो भी हो रही है, हर एक पौधे तक सिंचाई सुविधा लाने की इसमें कोशिश की जा रही है, और हर एक पौधे को जब सिंचाई मिलेगी तो निश्चित रूप से इस थोड़ा जो एरिया भी थोड़ा ड्राई एरिया है, तो इस एरिया में प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि लोगों की इनकम बढ़े और लाइफस्टाइल इंक्रीज हो। तो कितने पौधे आज वितरित किए गए हैं? आज जो है ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये 2 दिन चलेगा। आज हम यहाँ तरंडा में बांट रहे हैं पौधे, तो यहाँ आज 60 लोगों को पौधे बांटे गए हैं, और 60 लोग हमने चिन्हित किए हैं इस साल बरी पंचायत में भी, और वो कल हम उनको बांटेंगे। कुल इस साल जो है 120 जो फार्मर्स हैं इस बगीचा लगाने के प्रोजेक्ट में, उनको कवर किया जा रहा है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में टोटल और मिला के कुल जो है 244 किसानों को, किसान परिवारों को जो है इसमें लाभ प्राप्त होगा। और 11 इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऐसे फार्मर्स भी आए हैं जिनके पास 2.5 बीघा से कम जमीन थी, और वो लैंडलेस कैटेगरी में आए हैं इस प्रोजेक्ट में, और उनको जो है कारपेंटरी प्रोफेशन। हेमंत कुमार चोरा गांव निवासी ने बताया कि नवार्ड व एचजेबीएन के माध्यम से सेब के पौधे बांटे जा रहे हैं। करीब 19,000 पौधे सेब के मुफ्त वितरण किए जाने हैं। उनका प्रयास रहेगा कि अच्छी किस्म के पौधे मिलने के बाद उनकी देखभाल सही करें। मेरा नाम हेमंत, मैं यहाँ चौरा गांव का निवासी हूँ, और नाबार्ड के तहत हमारे को यहाँ पे सेब के अच्छी वैरायटी के पौधे बांटे गए मुफ्त में, और हम इन फ्यूचर ये कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा करें, और ये हमारे तरंडा पंचायत में पौधे बांटे जा रहे हैं। तरंडा और बरी कितने पौधे बांटे गए सर? ये हमारे पंचायत में लगभग 19,000 पौधे बांटे जा रहे हैं। चोरा पंचायत निवासी शशि नेगी ने बताया कि ग्रामीणों को अच्छी किस्म के सेब के पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं, इससे भविष्य में हमारी अच्छी पैदावार होगी, इससे हमें काफी खुशी हो रही है। ग्रामवासी चोरा, आज इसलिए खुश हूँ, हमारे गांव वाले को अच्छे क्वालिटी के सेब के जो पौधे दिए जा रहे और फ्री दिए जा रहे, जैसे कि तरंडा चोरा बरी व अन्य स्थान के लोगों को, और इससे ये हमें महसूस होता है कि हमारे ग्रामवासियों को अच्छा फसल मिलेगा, अच्छा कीमत मिलेगा और पैदावार अच्छा होगा।